पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बेल्ट को मजबूत करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने आज दिल्ली रोड स्थित एक होटल में सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बेल्ट को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल सबसे कमजोर क्षेत्र मुरादाबाद भाजपा का माना जा रहा है, जिसके बाद आज मुरादाबाद पहुंचे हैं प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह। आपको बता दें कि तीन कमिश्नरी के 19 जिलों के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और मुरादाबाद मंडल कमजोर होने के कारण यहां मुरादाबाद में बैठक का आयोजन किया गया। पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक की गई और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने वाली है, जिसको लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से जी जान से जुटने की बात कही गई है। क्षेत्र की बैठक आज मुरादाबाद जनपद में मुरादाबाद महानगर में थी। पश्चिम क्षेत्र की बैठक हुई, इसी में आज नवमतदाता सम्मेलन के लिए एक योजना बैठक हुई है। बूथ सशक्तिकरण की दृष्टि से सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख बनाने की योजना है, तो सभी मंडलों पर हमने पन्ना बनाने के लिए पन्ना प्रमुख योजना के लिए एक संयोजक हर मंडल पे बनाया है। उनकी आज बैठक लेने प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी आए। सभी कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी उन्होंने लक्ष्य दिया है, चाहे पन्ना प्रमुख बनाने का हो, नवमतदाता सम्मेलन का हो, पश्चिम क्षेत्र के सभी काम अच्छे से होंगे और 14 की 14 लोकसभा जीतने के लिए ये योजना तैयार की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है 2024 के चुनाव में पश्चिम क्षेत्र की 14 लोकसभाओं को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कार्यकर्ता बेस पार्टी है हमारी और कार्यकर्ता के बल पर, कार्यकर्ता के काम के आधार पर, काम के बल पर हम 2014 का चुनाव जीते, 2017 का चुनाव जीते, 2022 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते और 2024 का चुनाव भी उसी कार्यकर्ता के परिश्रम के बल पर हम जीतेंगे। निश्चित रूप से हम 2019 जो लोकसभा का चुनाव था वो हमारे लिए एक कष्टदायक था, क्योंकि हम 2014 को लेके चलेंगे, 19 को लेके नहीं चलेंगे। हम 14 में 14 की 14 लोकसभा जीते थे पश्चिम क्षेत्र की और इसकी पुनरावृत्ति 2024 में करेंगे। हम 14 की 14 लोकसभा जीतने वाले। कहीं ना कहीं मुरादाबाद मंडल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमजोर क्षेत्र, उसको साधने के लिए किस तरह से? ये नहीं मानता, हो सकता है कि काम हमने किया और परिणाम बेहतर नहीं आए हों। मैं जहाँ तक चुनाव की बात करता हूँ, 2019 के चुनाव में जिन लोकसभाओं को हम हारे थे सब पे हमारा वोट बढ़ा था और उसके बावजूद भी परिणाम बेहतर नहीं आ पाया था। ये एक दूसरा कारण था, दूसरा पक्ष था। इस बार हमें पूर्ण विश्वास है हम पुनः सारी लोकसभा जीतेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।